हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे जितने भी 18,000 पीएससी के भाई हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी अभी मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें से आपको पूरा क्लियर कर दिया गया कि आपकी चरित्र सत्यापन कब से होगा, आपके मेडिकल कब से होगा, आधारभूत ट्रेनिंग जो है वो कब से होगी और आपका मेडिकल कब से कब तक चलेगा, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए, सबको नॉलेज हो जाए, सबको जानकारी मिल जाए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण ईमेल या फिर फैक्स द्वारा ये भेजा गया है और यहाँ 8 मई कल को 2019 कल ही ये प्रस्तावित की गई है, यानी कल ही ये भेजी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समस्त सेनानायक पीएससी वाहिनी उत्तर प्रदेश, विषय है सीधी भर्ती 2018 में आरक्षी पीएससी के पद पर भर्ती हुए चयनित 18,000 अभ्यर्थियों चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन नियुक्ति एवं JTC के लिए तिथि निर्धारण के संबंध में। तो ऊपर इसमें पूरा क्या लिखा गया है, क्या पूरा इसका मैटर है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। उपर्युक्त संबंध में कृपया इस मुख्यालय के समांग पत्र दिनांक 26/3/2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सीधी भर्ती 2018 में आरक्षित पीएससी के पद पर भर्ती हुए चयनित 18,000 अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन हेतु वाहिनी आवंटित की गई है। उपर्युक्त कार्रवाई है तो निम्नवत तिथि निर्धारित की जाती है। तो अब आपको यहाँ पर कौन सी डेट कब है वो बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए। आपका जो चिकित्सा है यानी आपको जो मेडिकल होगा वो यहाँ पे 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। आप देख सकते हैं मेडिकल की डेट अपनी, उसके बाद चरित्र सत्यापन और अभिलेख सत्यापन जो है वो आपका जो चरित्र सत्यापन है वो सितंबर 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका चरित्र सत्यापन और अभिलेख सत्यापन हो जाएगा। उपर्युक्त पाए गए अभ्यर्थियों की सूची पीएससी मुख्यालय को उपलब्ध कराने को, जो जिसने भी फिट होंगे कैंडिडेट्स उनके जो अभ्यर्थियों के जो पीएससी मुख्यालय को उनकी जो सूची जो है वो कितने बच्चे फिट हैं कितने अनफिट हैं, वो सारी जो सूची है ये 2/10/2019 तक यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक यहाँ पे हर हाल में दे देनी होगी। उसके बाद पीएससी मुख्यालय द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित वाहिनी आवंटन जारी आदेश करना, तो ये 20 अक्टूबर को हो जाएगा। और 20 अक्टूबर को यहाँ पे आपको आमंत्रण कर दिया जाएगा कि आपकी कौन सी वाहिनी है और कब आपको जाना है। सत्यापन करने वाली वाहिनी द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित वाहिनी को अभ्यर्थियों की पत्रावली उपलब्ध, तो आपकी पत्रावली है जो सबसे मेन होती है, तो आपकी जो पत्रावली है वो 30 अक्टूबर तक आपको हर हाल में पता चल जाएगा। उसके बाद नियुक्ति आवंटन वाहिनी द्वारा नियुक्ति प्रदान कराने है JTC जो है वो आपकी 20 नवम्बर को हो जाएगी, नवम्बर तक JTC होगी। और आपको जो आधारभूत प्रशिक्षण होगा वो दिसंबर में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।